शादी के बाद यदि बार बार तलाक हो रहा है तो हर कोई परेशान हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे के भी कारण लोगों द्वारा पता लगाए जाते हैं। यदि आपके घर परिवार में भी इस तरह की स्थिति बन रही है तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। टेरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट द्वारा दो उपाय बताए गए हैं। यदि उपाय यह आप करते हैं तो आपके घर परिवार में तलाकशुदा बेटा और बेटी की शादी आसानी से होगी और पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। टेरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले के अनुसार यह जानकारी मिली है कि बार बार तलाक हो रहा है। ऐसे में यदि आप शादी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपके बेडरूम में आपको यह दो उपाय करना है। पहला उपाय, आप जिस बेडरूम में सो रहे हैं उस बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पर आपका फ़ोटो लगाना है। आप इस फोटो को 51 दिन तक लगा सकते हैं और अधिकतम कितने भी दिन लगा रहने दे सकते हैं। दूसरा उपाय, आपको यह करना है कि हंसों के जोड़ों की एक तस्वीर बेडरूम में लगाना है। आप इस तस्वीर को 48 दिन और इससे अधिक कितने भी दिन लगा सकते हैं। ऐसा करने से शादी के योग बनेंगे और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। यदि आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आप जब आपके घर में यह तस्वीर लगा रहे हैं तो आपको सुबह के समय यह तस्वीर लगाना चाहिए। यह तस्वीर लगाते समय आपको यह बोलना है कि मुझे अच्छा प्रेमी मिले। बार बार डिवोर्स हो रहा है तो उसको लेकर क्या उपाय करना चाहिए कि उसका फिक्स हो जाए? ओके, तो अगर बार बार डिवोर्स हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो जो हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम होता है, बेडरूम में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट स्पेशली कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम, ये हस्बैंड वाइफ के लिए ही बना होता है। तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपनी फोटो लगा सकते हैं हस्बैंड वाइफ की, या फिर डक पेयर, जो डक पेयर आता है ये भी कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है, या फिर हंसों का जो जोड़ा होता है उसकी तस्वीर भी आप लगा सकते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिससे लव अट्रैक्ट हो। तो इससे जो भी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।